मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है क्या लेकर गए क्या बताऊं बेटा एक मोबाइल था दो अंगूठियां थी जो मैं पहनी रहती थी एक मेरी शादी की और एक मेरी सास मरुमा ने दी थी एक बटुआ था जो तुम्हारी माँ के हाथ का सिला हुआ था अगर आपको इतनी खिदमत खल का शौक है ना तो आप बूढ़ों मजदूरों बीमारों की मदद कीजिए आपका शौक भी पूरा हो जाएगा सवाब भी मिल जाएगा मुझे अल्लाह ने दो टांगे दी है मैं चली जाऊंगी कुछ भूल रहे हैं आप रज्जो अरमानों पे थोड़ा सा काबू रखो पापा भारी बैठे हैं कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए साईं बहुत अच्छी मूवी चल रही है आप भी देखें ना हाँ हाँ देखेंगे साईं इसमें जो हीरो है ना वो अपनी हीरोइन से बहुत प्यार से बात करता है तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ मेरी जान नहीं साईं आप तो मुझे हमेशा डांटते रहते हो अरे तो तेरे फायदे के लिए है ना तू ना समझ है इसीलिए तुझे डांट के समझाना पड़ता है अब देख डॉक्टर कह रही थी कि तू अपना ख्याल नहीं रखती कमजोर हो रही कुछ खाया पिया जा ख्याल तो रखती हूँ साईं सारा दिन नजीरा कुछ ना कुछ खिलाती रहती है अच्छा करती है वरना तू खुद से कुछ खाएगी क्या मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे प्यार पे कभी शक नहीं करना और जहाँ तक गुस्से की बात है तो वो तो मर्द की शान होती है ये तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है पर साईं अब मैंने क्या किया जब से आया हूँ सारी नखरे उठवा रही है खुशामद करवा रही है हा? पानी का पूछा है ना खाने का मैं वो जा के गिलास पानी लेके आ मेरी साईं पानी तो ये तेरा दिमाग खराब हुआ है तेरा झूठा पीऊंगा बीमारों का झूठा रख गिलास धो के साफ पानी लेकर आ गिलास जी मैं हीरोइन से हीरो कितने प्यार से बात कर रहा है पैसे देते हैं उनसे बात कर लेंगे अम्मा आप सोई नहीं अभी तक नहीं तो जैसे उड़ गई है कम बाहर की वजह से पता नहीं आया नहीं अब तो कब आएगा कौन अम्मा अरे वही इमरान मेरी जान का अजाब डर ही लगा रहता है कहीं फिर पुलिस उठा के ना ले जाओ उसे अम्मा वैसे एक बात बोलूं अच्छा है कि भाई को एक बार पुलिस उठाकर ले जाए दो जूते लगाएगी ना कल फौरन ठिकाने आ जाएगी छोड़ देगा ये सब तंग करना हमें वो तो ठीक हो जाएगा हम जो बदनाम हो जाएंगे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे तेरे लिए अगर कोई रिश्ता भी आता होगा तो वो भी दरवाजे से वापस चला जाएगा इतने बदनाम हो जाएंगे हम अम्मा आप मेरी फिक्र मत करें जिसको आना होगा ना वो आ जाएगा जो नसीब में लिखा होगा ना मेरे वही होगा बस फ्रूट और कुछ घर का सामान जा फ्रूट को धोकर प्लेट में लाके दे मेरी माँ बहुत मेहनत करती है बहुत ख्याल रखती है हमारा अपना नहीं ले, ले, ले।
अपने हराम के पैसों का नहीं चाहिए हमें, हम पाके कर लेंगे। अरे 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 अम्मा, क्या हो गया है तुझे? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? समझती क्यों नहीं तू बात को? मैंने तुझे कहा था ये मेरी पहली तनख्वाह की कमाई है, उससे फ्रूट लेकर आया हूँ और तूने उठा के फेंक दिया। तेरी मेहनत की कमाई है, मेहनत की या हराम की? नहीं खाना ये फ्रूट ना हमें, तू अपना पेट भर जहन्नुम की आग से, हमें नहीं भरना, ले जा। तेरी कसम मैं झूठ नहीं, मैं अपनी कसम खाता हूँ, तू गलत समझ रही है, ये हलाल के पैसों से कमा कर लाया हूँ, तूने क्यों फेंका? आज तक मैं समझती रही कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, तो कभी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। मेरी झूठी कसम आज खाकर तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया बुढ़िया को। दुल्हन तुम भी आके बैठ जाओ, साथ में नाश्ता कर लो। जी अम्मी। अम्मा मैंने आपको कह दिया है कि कल से नाश्ता आप बनाएंगी, शाही नहीं बनाएंगी। क्यों बेटा, इतने मजेदार खस्ता पराठे तो बनाए इसने, क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि मुझे बहुत पसंद आया। अरे तो फिर पहले क्यों भुजवा रहे हो? यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रोज इतने मजेदार पराठे बनाएगी तो बहुत मोटा हो जाऊंगा, पहले ही दो खा चुका हूँ, सारी स्मार्टनेस खराब हो जाएगी मेरी। चलो फिर अच्छा है शाइन, कल से तुम इसे चाय पापे पर ही टखा देना। सुबह से उठ के इतनी मेहनत तो मैंने करनी पड़ेगी, और मुझे तो वैसे भी घी मन है। नहीं वैसी बात भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। रोज तुम एक ही पराठा बनाना ताकि मैं एक ही खाऊं, ना मेरे सामने आएगा ना मैं खाऊंगा। पता है शाइन, एजाज को पराठे बहुत पसंद है, वो तो मेरी बीमारी की वजह से बेचारा सुबह सुबह चाय पापे खा के चला जाता था। नहीं अम्मी, आप नहीं खाने पड़ेंगे, मैं बना दिया करूंगी। काजिम। जी साईं। गाड़ी निकला। जी साईं। अगर आपको इतनी खिदमत खल का शौक है ना, तो आप भूड़ों मजदूरों और बीमारों की मदद कीजिए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। मुझे अल्लाह ने दो टांगे दिए, मैं चली जाऊंगा। लड़की थी या पटाखा, तू भी ना जी के साहेबन जैसी कमार और ठस लड़की को उठा के लिया, ना पहनने उड़ने का सलीका है ना बोल चाल का, सली सिर्फ कम उम्र और खूबसूरत ही है। लेकिन खूबसूरती में अगर तीखापन शामिल ना हो तो वो बेकार है, बिल्कुल बर्फ का ढेर। लड़की थी वो हसीन और जमील, मिर्चों की तरह तेज, शोलों की तरह दहकती हुई और पटाखों की तरह शोर मचाती हुई। पहले मुझे साइमा का मसला हल करना है, अगर मेरे को उस बात की भनक पड़ेगी तो कयामत आ जाएगी। बीवियों को तो छुपा के रखा है, बच्चों को छुपाना मुश्किल होगा। मुझे नरू के पास जाना होगा, उसको जरा मक्खन लगाना, झूठी मोहब्बतों के जाल फेंकने होंगे। बीबी सन क्या हुआ? बड़े साई आए हैं क्या? मैंने खुद देखा गेट के अंदर गाड़ी आते हुए।
गुड़िया सारी रात जागती रही है। मैंने दम तो कर दिया है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब सोकर उठेगी तो बिल्कुल ठीक होगी। फिर भी अगर कोई बात हो तो जमीला को फोन कर देना और नाश्ते के साथ वो दूध जरूर दे देना जो मैंने दम करके रखा हुआ है। ठीक है अम्मा। अम्मा आपके लिए खाना कब लेकर आऊं? नहीं खाना नहीं भेजना, मैं घर आऊंगी, गुड़िया को भी देख लूंगी और खाना भी खा लूंगी। ठीक है। ये दुपट्टा सर पर रखने के लिए होता है। ये घर है कि जेल खाना? कभी ये करो वो करो, सर पे दुपट्टा रखो, अब मरो घर पे। सोचा था मानो के घर आने के बाद थोड़ी आसानी हो जाएगी, उसको भला फुसला के घर से निकल जाऊंगी, लेकिन नहीं, उसने तो नई मुसीबत खड़ी करनी थी। मुसीबत वो करे और भरना मुझे पड़े। भरो अब, करो काम। मजा ही खुल गया। पता है मानो हमारे घर में तो ना भाभी के आने से रौनक ही आ गई है और हमारे घर से सारी रौनक ही खत्म हो गई है। बहुत, जब से गई है ना किसी चीज में दिल नहीं लगता, ना खाने पीने में ना बातचीत में। हालांकि आप ही बहुत कम बोलती थी, हमसे इतनी ज्यादा बातें नहीं करती थी, वो बस बैठकर हमारी बातें सुनती रहती थी। फिर भी उनके जाने से ना बहुत उदासी हो गई, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। हाँ ठीक कह रही हो, तो फिर ऐसा करो आज तुम मेरे घर चलो, भाभी के हाथ का खाना भी खा लेना और उनसे बातें भी कर लेना। नहीं नहीं हीरा, असल में ना गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, मुझे सीधा घर जाना होगा। तुम्हें तो पता है ना कि नौशी कुछ भी नहीं संभाल सकती। अच्छा चलो ठीक है, फिर कभी आ जाना। चलो घर चलते हैं। ध्यान से मैडम, आप घर का सहन नहीं है। ये क्या मतलब है कि आपके घर का सहन नहीं है? तुम्हें बाइक देख के चलानी चाहिए थी। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मुझे चोट लग जाती तो। ये आपके रजिस्टर। थैंक्स। मेंशन नॉट, आपको लगी तो नहीं? बीबी सन, बीबी सन, क्या हुआ? बड़े साई आए हैं क्या? मैंने खुद देखा गेट के अंदर गाड़ी आते हुए। ठीक है तुम जाओ, उसके खाने पीने का इंतजाम करो, मैं आती हूँ।
क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। कासम को भेज देते, आने की तकलीफ क्यों की? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा था? वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी, सुबह से इंतजार कर रही थी मैं आपका। बस बस बस, एक सांस में इतनी बातें ना, फुल स्टॉप ना कॉमा, लगता है बुखार उतर गया है मेरी गुड़िया का। बुखार? बुखार तो सुबह ही उतर गया था मेरा। अम्मा सायरा दम जो करती रही है मुझ पे। आपको पता है जब मैं सुबह उठी तो फिर मैंने देखा कि अम्मा मेरे पास लेटी हुई थी। बेचारी को मैंने चादर उड़ा दी, उनको उनको जागने नहीं दिया कि उनकी नींद खराब ना हो जाए। अरे वाह, मैं ही बोले जा रही हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो मुझे मौका दो तब ना। लगता है अम्मा ने दम जो किया ना, उसकी वजह से तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अरे मैंने सुबह से कुछ बात जो नहीं की, आप जानती तो है नौशीन बाजी को कितनी बोर है वो। जब उनके मतलब की बात हो ना, वो ही करती है बस, वो उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करती। सुबह से सिर्फ दो बार ही आई है मेरे कमरे में, एक बार नाश्ता लेके और दूसरी बार सूप लेके। तो मेरी जान, उसे सुबह काम भी तो इतने होते है ना, तुमने देखा नहीं है सुबह घर कितना फैला हुआ होता है? रहने दे, कौन सा वो खुद समेटती है, समेटती तो आप ही है सारा। अच्छा ना, छोड़ो इस बात को, इतना गुस्सा नहीं करते। ये बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं? वैसे मैं एक बात सोच रही थी, अगर तुम ऐसे ही इशारों की जबान में बातें किया करो जैसे अभी नहीं किया था तो कितना अच्छा लगेगा ना, सारा दिन मेरा दिमाग पका देती हो तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बहन नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी भाई। अच्छा सॉरी, ये बताओ क्या खाऊंगी? जो आप खाएंगी। जो मैं खाऊंगी? गुड क्वेश्चन, मगर आपको बुखार है तो आप वो नहीं खाएंगी जो मैं खाऊंगी, ठीक है? लेकर आती हूँ खाना। क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। तो कासम को भेज देते, आने की तकलीफ क्यों की? जो चीज मुझे चाहिए वो कासम नहीं ले जा सकता यहाँ से। कहीं आप समीने भेजने की बात तो नहीं कर रहे? क्या बात है मैरू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जमीनें मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे किसी सूरत में भी नहीं बेचना चाहती। मगर बात वो नहीं है। अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर आप अपने हिस्से की बात कर रहे हैं तो आपके हिस्से से ज्यादा मैं आपको दे चुकी हूँ। शहर में जो अपार्टमेंट और शॉपिंग प्लाजा है उसमें कितनी लागत आई है उसका अंदाजा है तुम्हें? अपार्टमेंट और शॉपिंग प्लाजा से जितनी आमदनी होती है, मैंने तो उससे कभी एक पैसा भी नहीं लिया। मैं जानता हूँ मेहरू, जानता हूँ मैं। जब जानते हैं फिर भी मेरे पास मांगने के लिए आ गए। सारी गंवारी रहेगी। कैसी अच्छी बात कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, बस सारे मुल्क की ऐसी तैसी कर दी, तकलीफ किए चली जा रही है। आप क्या समझते हैं, शहर में जितनी आपकी सरगर्मियां हैं उसे मैं नहीं जानती हूँ? मैं सब जानती हूँ, आपने शहर में शादी कर रखी है। मैंने तेरा जायचा निकाला था रजिया, जायचे के मुताबिक तेरे बेटे के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। जानती हूँ तो चौकीदारी करता है, उन लोगों की करता है जो बेचारे अपने घरों को जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, उनकी ताक में तो बैठा रहता है, उनको निशाना बनाता है। मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में